अस्सलाम वालेकुम, काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर रियल स्टेट से। +9233417723। आपको आज एलडी सिटी की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और आपके सामने एक रोड गुजर रहा है, ये रिंग रोड है, और हम इस टाइम सेक्टर 4 में खड़े हुए हैं। दिखाना आपको ये चाह रहे थे कि यहाँ पर इस टाइम रोड्स को इन्होंने डेवलप करने के लिए ऑलमोस्ट इन्होंने रोड़ी का भी इस्तेमाल कर दिया, बजरी डालना शुरू कर दिया इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। अब रिंग रोड हमारे पीछे था, अब हम दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं ताकि आपको साथ साथ दिखाते जाएं कि रोड्स पे इन्होंने कैसे वर्किंग शुरू की हुई है। क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, मतलब सिर्फ एक कारपेट करना ही रह जाता है रोड को, क्योंकि नीचे मिट्टी डाल के इन्होंने पहले ट्रैप बिछाते हैं, उसके बाद फिर ये ब्रिक्स जो पत्थर रोड़ी होती है इसको डाल के ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद भी थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसके ऊपर रोड को कारपेटेड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सेक्टर 4 के अंदर है, अभी सेक्टर 4 के अंदर ही है, इसकी मेन बुलेवार्ड मेन रोड है, और इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ अंदर इसकी स्ट्रीट रोड्स हैं जो इन्होंने मिट्टी के साथ उसको एक शक्ल दे दी हुई है, पर उसके पर अभी ऐसा जैसे यहाँ पर बजरी डाली गई है वहाँ पे नहीं डाली गई। बिल्कुल सामने आपको एक गांव नज़र आ रहा होगा, सेक्टर 4 के अंदर ये वो गांव है इस्लामपुरा, जो अक्सर इनके एक प्रपोजल मैप के ऊपर शो भी होता है, और इसके बिल्कुल बिल्कुल पीछे इसके साथ ही रिंग रोड है, वो नज़र आ रही होगी रिंग रोड भी। अभी हम सेक्टर 4 की उसी मेन रोड पर हैं जहाँ पे आपको बता रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने बजरी डाल दी। अब थोड़ा सा हम सर अंदर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदर की कुछ छोटी स्ट्रीट्स का जो इन्होंने ट्रैप बिछाया है वो भी आपको दिखा सकें। 50 फीट रोड जो इनकी अंदर की बनी हुई है, बेहतर होता है कि चीज़ों को ज़रा क्लोज व्यू से आपको दिखा दिया जाए। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं इस साइड पर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी ऐसे सेम कंडीशन इसी तरह में इन्होंने रोड के अंदर यात्रा की। अगेन हम सेक्टर 4 के मेन बुलेवार्ड पर आ गए, और फर्दर अभी हम चली जा रहे हैं, और स्टिल अभी तक सेक्टर 4 ही चल रहा है। दिखाना चाह रहे हैं आपको कि सेक्टर 4 मतलब काफ़ी वेस्ट एरिया है। जिस तरह आप इस पूरी वॉर के साथ साथ चलते रहेंगे, आपको इसके राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ आपको अंदर की स्ट्रीट्स नजर आएंगी। आपको पहले अंदर जाकर दिखाई थी, जिस तरह इन्होंने दोनों तरफ ऑलमोस्ट ये काम किया हुआ है। ये ही स्ट्रेट रोड है जो इन फ्यूचर आपको मतलब फर्दर जो डेवलपमेंट करेंगे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसी तरह आगे सेक्टर चल के बढ़ते जाएंगे, इसी तरह के मोजे डिफरेंट बढ़ते जाएंगे, जैसे सिद्धर था और पीछे दूसरे थे। अच्छा, आपको एलडीए के अंदर सेक्टर 4 के अंदर ही इन्होंने राउंड अबाउट भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया हुआ है। ये मेन बुलेवार्ड ही जो उसकी सेक्टर 4 में से गुजर रही थी, इसे इसका जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, ये साथ ही आगे राउंड अबाउट आ जाता है। काफ़ी हद तक इन्होंने इसको शक्ल दे दी हुई है। अच्छा, इस राउंड अबाउट से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यही राउंड अबाउट है जो अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें, जहाँ पे वो आपको एक ईंटों की भट्टी नज़र आ रही होगी, यहीं से इसका स्ट्रेट रोड निकलना है मेन 100 फीट या 100 से अबव का, वो सीधा जाके टच हीट करता है जहाँ पर वो फिरोजपुर रोड से आपको एक लिंक रोड आता नज़र आता है, जो आप फिरोजपुर रोड से लिंक रोड से काचा रोड पर आते हैं। मतलब ये भी एक दूसरी एलडी की एंट्रेंस है, कल को अगर अब ये रोड भी लिंक राउंड अबाउट से रेडी हो जाती है तो वो सीधा काचा रोड पर जाके तब आपको हिट करेगी, कल को आपके लिए बड़ा आसान होगा वहाँ से भी एलडी के लिए एंटर होना। तो ये भी एक ईजी अप्रोच के साथ हमें ईजी एक्सेस मिल जाती है। अभी राउंड अबाउट आपको शास्त्र इसके मुफ्त कर रहे हैं, ये एक रोड राउंड अबाउट के साथ इधर को निकल रहा है। सब काफ़ी अच्छी बात यह है कि एलडी सिटी में हम मोस्टली ये देखते हैं कि इन्होंने बुलेवार्ड्स काफ़ी अपने मतलब दिए गए हैं, तो स्ट्रीट बड़ी हैं, काफ़ी रोड बड़ी हैं,
और सबसे मजे की बात ये एलडी के प्रोजेक्ट में ही होती है। अच्छा, अब हम सेक्टर 5 में इस टाइम आए हैं और सेक्टर 5 में मज़ीद कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं। ऐसा यहाँ पर तो रोड़ी बजरी जो इन्होंने डाली हुई है इसमें ऑलमोस्ट इन्होंने रोड्स को मिट्टी करके लेवल कर दिया था। यहाँ पर बेसिकली आने का मकसद ये था हमारा कि आपको दिखाना था कि यहाँ पर रोड्स को कारपेटेड भी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे ये रोड्स के इन्होंने पीसीस बे करके इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं और इसी को मज़ीद जहाँ जहाँ पर इनको नीड है सेक्टर 5 की सड़कों में वहाँ डाली जा रही हैं। अब आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर रोड कारपेट की है, लुक की भी है और कारपेट करना शुरू किया है। और ये अभी कुछ दिनों ही की बात है, मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट में कसीदे किया जा रहा है इसको, ये नहीं कि कोई एक महीना पहले या 20 दिन पहले की बात है। ये सेक्टर 5 में तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि इन्होंने सीवरेज का भी काम किया हुआ है, सारा टैंकियों पे भी इनका काम हो रहा है, वो पानी की टैंकी बन रही है। और अभी हम इस टाइम सेक्टर 5 के मेन बुलेवार्ड पर हैं, मेन रोड पर इसके, और ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ से इन्होंने रोड को कारपेटेड करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये अभी वो रोड है जिसको कारपेट किया गया है और इसके साथ साथ अभी भी आप देख सकते हैं कि रोड़ी को इन्होंने तोड़ के रेडी करके रखा हुआ है और सीवरेज का ओवरऑल सिस्टम इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। पानी का टैंक आपको अगर मैं यहाँ से दिखाता चलूँ तो एक ऑलमोस्ट ये तैयार किया जा रहा है और अगर दूसरी तरफ आपको मैं दिखाऊँ तो एक आपके राइट साइड पे ये तैयार किया जा रहा है। टैंक के बिल्कुल नीचे आपको मशीनरी भी नज़र आ रही होगी, इट मीन्स के काम यहाँ पर हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं रुकी हुई। जैसे लोगों ने बहुत सी न्यूज़ की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट के लोगों को थ्रेड है कि पता नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही या डेवलपमेंट रुक गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। और इवन के रोड्स पे उन्होंने कारपेट करना शुरू कर दिया, अगर ऐसा होता तो एनडीए ये चीज़ ना कर रहा होता, मतलब ग्राउंड रियलिटी आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है ना कि इधर उधर की बातें आपके लिए मैटर करती हैं। तो जी अब हम आपको इस टाइम एनडीए सिटी के सेक्टर 3 में लेके आए हैं। ये भी कुछ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में कंसीडर की जा रही है बिकॉज इससे पहले यहाँ पर अभी एनडीए ने सेक्टर 3 के अंदर ऐसा कुछ नहीं साइड पर शुरू किया गया था। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप फिरोजपुर रोड से आते हैं और कनाल के साथ साथ जब आप अंदर की तरफ टर्न करते हैं आपके बिल्कुल कनाल उसी मेन रोड पे आपको एक ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम नज़र आता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे लेफ्ट पे ये टोटल ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम है, टोटली ये ऑपरेशनल है, इन वर्किंग है। और वो मेन रोड है जहाँ से मैं एंटर हुआ था जो सीधे सीधे कनाल यहाँ से गुजरी इस रोड से। तो ये इसके अंदर यहाँ पर मैं आया हूँ तो ये कुछ लैंड फर्दर एलडी ने यहाँ पर बाइंग किया है और उसके ऊपर आपको ये दिखा सकते हैं इन्होंने यहाँ पे मिट्टी डाल के ये एक रोड पे एक ट्रैप बिछाया है यहाँ पर सीधा। इसी तरह साथ साथ इसके थोड़े राइट साइड पे भी इन्होंने ये किया है, मतलब ये टोटल ये वो पीस ऑफ लैंड है जो एलडी ने अभी पिछले कुछ दिनों में इसको यहाँ से बाइंग को खरीद के एक्वायर करके और इस पर मिट्टी से इसको लाइक एक स्केलेटन इसका भी तैयार करना चाहिए जैसे आपने फैक्टर 5 और 4 के स्टार्ट में देखा था। जी उम्मीद है कि आज आपको अपनी पूरी कोशिश की थी कि आपको जो जो एनडीए के अंदर मकसद था तमाम डेवलपमेंट्स फर्दर दिखाने का, इसमें एक तो ये था कि आपको अपडेट करना था कि डेवलपमेंट मजीद हो कहाँ पे रही है और दूसरा ये बताना चाह रहे थे कि एनडीए में डेवलपमेंट स्टिल हो रही है और होती रहेगी, ऐसे कोई डेवलपमेंट रुकी नहीं है। और इसी तरह फर्दर आपको कोई साथ साथ जो जो न्यूज़ आती रहेंगी अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काशिफ इम्तियाज, लाहौर रियल स्टेट, +92333417223। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।